हमारे फॉरेस्ट के 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्यवाही होगी। इस पर हमारी टीम काम कर रही है, जल्दी हो जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है और कानून अपना काम कर रहा है और कानून के अंतर्गत जो भी कार्यवाही होगी वो अवश्य की जाएगी। केस में एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिसर के नाम से जो गौरव गुप्ता हैं लक्ष्मी नगर रहने वाले, उन्होंने एक FIR पंजीकृत कराई है कि उन्होंने एलविश यादव से संपर्क किया था कि उन्हें सांपों की व्यवस्था करने के लिए, तो उन्होंने एक राहुल यादव नाम के व्यक्ति का नाम दिया था जिससे उन्होंने संपर्क करके उनको बुलाया था और कहा था कि ये सांप को कब्ज निकाल करके उसे रेव पार्टी में यूज करते हैं। इस पर फॉरेस्ट की टीम और पुलिस टीम भी गई थी जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें 9 सांप बरामद हुए हैं। सर कितने नामजद मुकदमे दर्ज हुए, कितने लोग के खिलाफ? इसमें 6 लोगों के नामजद हैं जिसमें 5 लोग गिरफ्तार हैं। सर एलविश यादव का बैकग्राउंड क्या है? वो जो मुझे पता चला है कि वो जो रियलिटी शो बिग बॉस है उसके विजेता हैं, वो डांस वगैरह भी करते हैं। कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी इन लोगों की? अब इस पर हमारी टीम काम कर रही है, जल्दी हो जाएगी। पीपल्स फॉर एनिमल, पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक साथ ज्वाइंट अटैक किया है, ज्वाइंट लोगों को पकड़ा है, एक तरफा 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 9 सांप मिले हैं और वो पॉइजनस हैं, और इसलिए हमारे फॉरेस्ट के 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्यवाही होगी। सर इनके तहत कार्रवाई होगी, कितने साल तक की इसमें सजा है और इस तरह के लोगों पे और क्या कुछ आप मैसेज? इसमें 2 साल से 7 साल तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 2 साल से 7 साल तक की सजा है और इसमें पुलिस अपना काम कर रही है और मैं समझता हूँ पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सर इस तरह के बड़े जो सेलिब्रिटी हैं जब वो इस तरह के काम करते हैं तो इससे आम जनता को भी एक मैसेज जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेरित होते हैं सेलिब्रिटी से, उनको लेकर के क्या कुछ कहना है? कानून सबके लिए बराबर है और कानून अपना काम कर रहा है और कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी।